सो हे गाइस, दिस वन इज़ अ प्योर गाइस। फाइनली अपने चैनल के 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और गाइस, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी चैनल को सपोर्ट किया, जिन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल को और वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया। और गाइस, उन लोगों के लिए स्पेशल थैंक यू जो मेरी वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं, कमेंट करते हैं। गाइस, आप लोगों के नाम थे याद हो चुके हैं गाइस मुझे, और आप लोगों को रिप्लाई भी करता हूँ, आप लोगों को पता है। सो गाइस, थैंक यू यार, आप लोग यार मेन पिलर्स हो अपने चैनल के। तो गाइज़, थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और गाइज, मैंने सोचा कि भाई 20K पे स्पेशल वीडियो, कोई मोन्टाज वगैरह बनाने से अच्छा है भाई एक टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बनाई जाए जो कि लोगों को बहुत काम में आएगी। मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी सोलो टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई। और उस पर गाइज ऑलमोस्ट 5 लाख व्यूज़ आ चुके, 500,000 व्यूज़ आ चुके उस पर। और वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी आपको। तो गाइज, उस पर बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा है, और वैसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए फिर से मैं लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। कोई झूठ नहीं होगा गाइज, कोई भी गलत नहीं बताऊंगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने सीखा, वही आपको बताऊंगा। सो गाइज, अगर आप इस वीडियो पे नए हो और आपको लग रहा होगा कि भाई हम टिप्स एंड ट्रिक्स पे भरोसा क्यों करें, भाई ऐसा क्या है तेरे टिप्स एंड ट्रिक्स में जो हम तेरे ऊपर भरोसा करें, तो सच बताएगा या झूठ बताएगा, ऐसा लग रहा होगा, तो गाइज आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने सीजन 9 में गाइज फर्स्ट टाइम कॉन्करर पुश किया था। जब उस टाइम मेरे को कॉन्करर मिल भी गया था, बट केडी कम था गाइज, 3.2 केडी के साथ मैं कॉन्करर पहुंचा। आईडी डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो आप। उसके बाद गाइज सीजन 11 में मैंने कॉन्करर पुश किया सोलो, और वो टाइम गाइज, उस टाइम पे इतना इजीली मैंने कॉन्करर किया था 7 केडी के साथ गाइज, 7+ केडी था मेरा तब, 7 केडी के साथ गाइज कॉन्करर पहुंचा 180 मैचेस के अंदर विदाउट स्ट्रेस गाइज, कोई स्ट्रेस नहीं था, कुछ भी नहीं, एकदम टेंशन फ्री इजी कॉन्करर पहुंच गया था मैं। उसके बाद गाइज सीजन 12, सबसे हार्ड सीजन गाइज, क्यों पता है? क्योंकि लॉकडाउन गाइज, लॉकडाउन की वजह से सबके सब बंदे घर पे वेले बैठे, तो गाइज सबके सब बंदों ने रैंक पुशिंग की लॉकडाउन में, और इसी की वजह से गाइज कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो चुका था। तो गाइज इसी सीजन, मतलब कि सीजन 12 में मैंने पहले डियो में कॉन्करर पुश कर लिया गाइज, मेरे को टाइटल मिल गया वो डियो कॉन्करर का। उसके बाद गाइज अभी सोलो पुश कर रहा हूँ, और यहाँ पे गए 4,500-4,600 के आसपास मेरे पॉइंट्स है, और 100-150 पॉइंट्स है, वो भी हो जाएगा गाइज, बहुत टाइम है मेरे पास। और अगर आप ये वीडियो लेट देखोगे, समझो सीजन 13 में आप अगर ये वीडियो देखोगे, तो गाइज तब तक तो कॉन्करर टाइटल मुझे मिल भी चुका होगा। तो गाइज सबसे हार्ड सीजन में 2 कॉन्करर टाइटल्स ईजी नहीं है गाइज। और उसके बाद गाइज मेन चीज़ क्या है पता है? डियो में मेरा जो पार्टनर है गाइज, उसके पास लो एंड डिवाइस था गाइज, रेडमी नोट 7 था, उसका केडी 3 का था, मेरा केडी 3.5 का था गाइज। तो गाइज कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे पास हाई एंड डिवाइस है, उसके पास लो एंड डिवाइस है, फिर भी गाइज हम दोनों का केडी ऑलमोस्ट सेम है। और गाइज हम दोनों का ही नेटवर्क सेम था, जियो नेटवर्क पे ही खेले हमने, कोई बड़े यूट्यूबर्स की तरह अच्छे वाईफाई पे अच्छे डिवाइसेस भी नहीं थे हमारे पास, ठीक है गाइज, एक मेरे पास ही एक अच्छा डिवाइस था, बाकी नेटवर्क तो भाई 80-120 पिंग आता था गाइज। कभी कभार एनिमी क्लोज आती, हमारा पिंग स्पाइक होता था, अगर एंड सर्कल में बहुत ही ज़्यादा फाइट्स होती थी तो वहाँ पर भी पिंग स्पाइक होता था गाइज। तो ये सब डिफ़िकल्टी गाइज, एक नॉर्मल बंदे को जो डिफ़िकल्टी आती है वही हमने भी झेली है गाइज, और ऐसे करके हम कॉन्करर पहुँचे गाइज, ठीक है। सो गाइज इतने रीजंस इनफ है आप लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। तो गाइज अभी और बकचोदे नहीं, सीधा टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। बट गाइज उससे पहले लेट्स प्ले द इंट्रो। तो गाइस ड्यू रैंक पुशिंग की पहली टिप ये रहेगी कि अपना पहले परफेक्ट पार्टनर चुनो गाइस, ठीक है। ये टिप कोई और आपको अभी तक नहीं बताया होगा, बट गाइस यही सच है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है गाइस कि अपना परफेक्ट पार्टनर चुनो गाइस। क्योंकि अकेले से गाइस, एक बंदा अगर प्रो होगा तो उससे अकेले से ड्यू रैंक पुश नहीं हो पाएगा गाइस, दोनों का टीम वर्क, दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तभी जाके एक अच्छा गेम प्ले बनेगा और अच्छे प्लस होंगे गाइस, ठीक है। तो गाइज आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपके टीममेट में वो अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है। तो पहली चीज़ का नाम है गाइज द ब्लेम गेम। ब्लेम का मतलब पता है ना गाइज, कि दूसरे को ऊपर धकेल देना, मतलब कि समझो आपके आपकी गलती कुछ है ही नहीं, आपके टीममेट की गलती है, फिर भी आपके टीममेट ने आपके ऊपर ब्लेम किया कि भाई तेरी गलती है, तेरी वजह से हुआ। तो ये इस वजह से गाइज झगड़े होते या फिर रैंक पुश अच्छे से नहीं होता, माइंडसेट नहीं रहता। तो गाइज ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके टीममेट के अंदर, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है गाइज एक्सक्यूजेस, दूसरे पॉइंट का नाम है गाइज एक्सक्यूजेस, जिसका मीनिंग ये होता है कि बहाना। गाइज अगर आपका टीममेट गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और हर बार बहाने मार रहा है कि भाई यही हुआ, पिंग हाई हो गया, पता ही नहीं चला वो कहाँ से आ गया, या फिर डिवाइस लैग कर गए, अगर ऐसे बहाने मारता होगा और अपनी गलती छुपाता रहेगा तो गाइज आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो गाइज ऐसा पार्टनर भी मत चुनो। अगर आप ये गलती करते हो आप खुद, तो आप ये भी गलती सुधारो गाइज, अपने टीममेट को भी ये वीडियो दिखाओ, ठीक है। तो गाइज अभी हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो तीसरा पॉइंट ये है गाइज कि नो हिट ऑल, मतलब कि
सब कुछ पता है। तो गाइस ऐसे बंदे रहते हैं जिनको किसी का कुछ सुनना नहीं रहता, उनको लगता है कि उनको सब कुछ पता है, भले ही आप उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहे हो कि नहीं भाई इधर जाना है, यहाँ पे जाके हम पोजीशन होल्ड करेंगे, जाके अच्छा कवर लेंगे, बट वो बंदा आपकी सुनता ही नहीं, वो अपने ही धुन में कुछ ना कुछ करेगा, आपकी सुनेगा नहीं। तो गाइस इससे कोऑर्डिनेशन ख़राब होगा और गाइस रैंक पुशिंग प्लस नहीं होगा, उसका भी नहीं होगा और आपका भी नुकसान हो जाएगा गाइस। तो ऐसे बंदे नहीं चुनना है गाइस, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स याद रखो गाइस, ये तीन पॉइंट्स के हिसाब से आप अपना पार्टनर चुनो, ठीक है। देखिए गाइस ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर के पास बहुत ही ज़्यादा ओपी स्किल्स होने चाहिए, ज़रूरी ये है कि वो आपके साथ फ्रीली बात कर सके, आपकी सुन सके या फिर आप उसकी सुन सको, ठीक है। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आप लोगों का और बंदा ऐसा होना चाहिए आपका पार्टनर कि वो कभी कभार 1v4 कर चुका हो स्क्वाड में या फिर 1v2 करने की कैपेबिलिटी रखता हो। तो गाइस ऐसा पार्टनर ढूंढो और वो आपका बेस्ट फ्रेंड क्लोज दोस्त होगा तो भाई इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और गाइस ये बात ध्यान में रखो कि आपको एशिया कंटिनेंट में टॉप 500 में आना है, मतलब कि आपको बहुत ऊपर जाना है। तो गाइस स्किल्स चाहिए ही, बिना स्किल्स के कोई नहीं जा सकता कॉन्कर, ठीक है। तो गाइस अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो गाइस सेकंड टिप का नाम है स्ट्रैटेजी। तो गाइस आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए थ्रू आउट द गेम और जिससे कि आपका इजी प्लस हो सके और लेटर बोर्ड्स में आपके पॉइंट्स भी जल्दी जल्दी बढ़ सके। तो गाइस मैंने सोलो में आपको लीग्स के हिसाब से, जैसे कि क्राउन लीग, डायमंड लीग, एस लीग, इनके हिसाब से गाइस आपको कैसे खेलना है मैंने बताया था। बट गाइस डियो में सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, वो ये है कि प्लेन पाथ से गाइस दूर उतरो और एंड में फाइट्स लो, क्योंकि ताकि आपका हर एक मैच गाइस प्लस हो सके और जल्दी जल्दी गाइस आपका रैंक पुश हो, आपके ज़्यादा प्लस हो और कम पॉइंट्स के अंदर आपको कॉन्करर मिल जाए गाइस। अगर आप लेट करोगे ज़्यादा पॉइंट्स आपको करने पड़ेंगे तो गाइस हैकर्स आएंगे आपको और हैकर्स आपका माइनस करेंगे गाइस, जहाँ पे आप उतरोगे वहीं पे हैकर्स आ सकते हैं गाइस। बाद में एस लीग में बहुत हैकर्स मिलेंगे, इसलिए गाइस जितना हो सके उतना जल्दी पुश करो, बस प्लेन पाथ से दूर जाओ गाइस, कहीं पे भी उतरो और उसके बाद एंड में फाइट लो। शुरू में गाइस, शुरू में जब गोल्ड अगर प्लेटिनम गोल्ड पे होंगे आप तो थोड़ा बहुत फाइट ले सकते हो, वहाँ पे उतना माइनस का रिस्क नहीं होता। बट गाइस अगर आप क्राउन डायमंड यहाँ तक आ चुके हो तो गाइस वहाँ से तो भाई फुल्ली सेव करना है आपको, सिर्फ कोने में उतरना है, दूर उतरना है, वहाँ से एंड में जाके फाइट लेनी है गाइस। तो गाइस आपको और कोई स्ट्रैटेजी अपनानी नहीं है। देखिए गाइस कोई बंदे ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि भाई शुरू में थोड़े किल्स निकालेंगे, बाद में एंड में और किल्स मिलेंगे तो और ज़्यादा प्लस होगा, गाइस लालच के चक्कर में एक ही लीग पे अटक जाते हैं गाइस। इसलिए गाइस एक ही स्ट्रैटेजी अपनाओ, जल्दी जल्दी पॉइंट्स प्लस कराओ और कॉन्करर इजी हो जाएगा गाइस आपके लिए, ठीक है। तो गाइस यही थी स्ट्रैटेजी और गाइस अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो गाइस थर्ड पॉइंट ये है कि ड्रॉप लोकेशन क्या होना चाहिए। देखिए गाइस हमारा ड्रॉप लोकेशन एक ही था पूरे सीजन थ्रू, वो था कि यसना है कि जो 5 बड़ी अपार्टमेंट्स है वहाँ पे हम उतरते, वहाँ से फिर सिटी के अंदर रोटेशंस करते थे गाइज, भले बंदे आ जाए सिटी के अंदर और या फिर हमारी जगह पे भी कोई बंदे आ जाए तो गाइज 90% हम जीतते थे वहाँ पे, क्योंकि हमें यसना के बारे में बहुत कुछ पता था, यसना हमारी फेवरेट लोकेशन थी तो हम वहीं पे उतरते थे गाइज, वहाँ से हमें बहुत ईजी था। और गाइज ज़रूरी ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे उतर रहे हो तो आप भी यहीं पे उतरो, इससे अच्छा गाइज क्या करो, जब आपका लो लीग होता है समझो आप गोल्ड प्लेटिनम से जहाँ से स्टार्ट करते हो ना गाइज, तब आप डिफरेंट लोकेशंस पे जाओ जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यार ये लोकेशन हमारे लिए बनी, यहाँ पे ज़्यादा बंदे भी नहीं आते और हम यहाँ से सर्वाइव भी कर सकते। तो गाइस ऐसा एक ड्रॉप लोकेशन चूज़ करो, ज़रूरी नहीं गाइस कि उस ड्रॉप लोकेशन का कोई नाम होना चाहिए, आप छोटे मोटे घर भी लूट सकते हो आसपास के, वैसे घर लूटते लूटते आप एक अच्छी लूट बना के एंड में आप सर्वाइव कर सकते हो गाइस। तो आप अपना एक ड्रॉप लोकेशन चूज़ करो गाइस, ज़रूरी नहीं कि मैं यसनाए पे गया, हम लोग यसनाए पे जाते थे तो हम आप भी यसनाए जाओ, ज़रूरी नहीं है गाइस। आप अपना एक अच्छा सा ड्रॉप लोकेशन चूज़ करो और उसके हिसाब से फिर लूट वगैरह करो, फाइट्स वगैरह लो और सर्वाइव करो गाइस, ठीक है। तो गाइस अभी हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर, जो कि है कि डियो में फ़ाइट्स कैसी लेनी है, फ़ाइट्स कैसी जीतनी है और कौन सी गन्स यूज़ करनी है गाइस, ठीक है। देखिए गाइस डियो में फ़ाइट्स कैसी होती है मैं पहले बताता हूँ आपको। एक बंदा गाइस नॉक होता है, उसके बाद पुश होता है और दोनों के दोनों बंदे मारे जाते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आप में से दो बंदे हो, उनमें से अगर एक बंदा गाइस स्नाइपर होगा जिससे कार 98 M24 ये सब चलाना अच्छे से आता है, तो गाइस आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा गाइस। जैसे कि मेरी टीम में गाइस रैग्नारोक जो मेरा टीममेट था वो बहुत ही अच्छा स्नाइपर था, तो गाइस उसका काम यही होता था कि वो एक बंदे को नॉक करे, उसके बाद सीधा पुश, मैं आगे जाके लीड करता था, वो मेरे पीछे बैकअप देने के लिए आता था और इजी 2 किल्स हमको मिल जाते थे और एक अच्छी पोजीशन भी हमको मिल जाती थी और ऐसे करके गाइस हमारा सर्वाइवल होता था। उसके बाद जो होगा वो देखा जाता था, कभी कभार चिकन मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था, बट पॉइंट्स कन्फर्म प्लस होते थे गाइस, ठीक है। तो ऐसे फाइट्स लेने और गन्स गाइस आपके ऊपर है, क्लोज रेंज में आपको उजी यूज़ करना होगा,
AKM यूज़ करना होगा, बैरल यूज़ करना होगा, M4 यूज़ करना होगा, कुछ भी यूज़ कर सकते हो गाइस। डियो में कैसा रहता है कि भाई गन्स ठीक है, गन्स उतना नहीं गाइस, आपका कोऑर्डिनेशन ज़्यादा मैटर करता है। सोलो में मैं ऑब्वियसली आप लोगों को बोलूँगा कि भाई आप उजी यूज़ करो, वेक्टर यूज़ करो क्लोज रेंज में, क्योंकि वो उनका फायर रेट बहुत फास्ट है और आगे वाला बंदा बहुत ही जल्दी नॉक हो जाता है। बट कुछ बंदों को उजी चलानी नहीं आती, कुछ बंदे AKM बैरल से बहुत अच्छा नॉक देते हैं। सो गाइस आपके ऊपर है कौन सी गन चलानी क्या नहीं, बट एक स्नाइपर आपके टीम में अगर होगा तो आपकी टीम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा गाइज। ठीक है, तो ये रही गाइज गन्स के बारे में और फाइट्स कैसे लेने इसके बारे में नॉलेज। और अभी हम बढ़ते हैं आगे वाले पॉइंट्स की ओर। सो गाइज फिफ्थ पॉइंट ये है कि भाई कौन से टाइम पे आपको पबजी खेलना चाहिए जिससे कि आपको नूब लॉबी मिले या फिर ईजी लॉबी मिले। ठीक है, बट ये पॉइंट बताने से पहले गाइज मैं बता दूँ कि आगे से जो गेम प्लेज आएंगे अभी जो स्क्रीन पे बैकग्राउंड में चलेंगे वो सोलो के गेम प्लेज आएंगे, क्योंकि गाइज डियो के गेम प्लेज मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आपको देखना होगा तो मैं वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो गाइज कुछ यूट्यूबर्स ने आप लोगों को बताया होगा कि भाई सुबह मतलब कि मिडनाइट 3 बजे अगर खेलोगे आप, वहाँ से लेकर सुबह 7 बजे या 8 बजे तक खेलोगे तो नूब लॉबी लगती है। तो गाइज उन्होंने सही कहा है, एक्चुअली नूब लॉबी लगती है। बट गाइज आपको पहले ये बता दूँ कि एक नॉर्मल लॉबी में और नूब लॉबी में फ़र्क क्या है। देखिए गाइज नॉर्मल लॉबी में क्या होता है कि एंड सर्कल्स में 30 से 40 बंदे अलग होते हैं, जहाँ पे आपको जगह थोड़ी भी नहीं रहती और आपको जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे आपको पोजीशन होल्ड करना पड़ता है, फिर सर्वाइव करना पड़ता है, फिर फाइट करना पड़ता है। और इसमें गाइज बहुत ज़्यादा प्लस होता है गाइज, अगर आपके पास 2-3 किल्स भी होंगे तो भी गाइज 20 से 25 प्लस होते हैं गाइज क्राउन और एज जैसी लीग में भी। ठीक है, बट वहीं पर गाइज नूब लॉबी में क्या होता है पता है, एंड सर्कल्स में सिर्फ 10 से 12 बंदे अलग रहते हैं और जितने भी बंदे अलग रहते गाइज वो नूब नहीं रहते, वो अच्छे ही प्लेयर्स होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अच्छी लॉबी में एक नॉर्मल लॉबी में 30 से 40 बंदे एंड सर्कल में अलग रहते और नूब लॉबी में जो कि सुबह की जो लॉबी होती है उसमें 10 से 15 बंदे अलग रहते हैं। ठीक है गाइज यही फ़र्क है, बंदे नूब नहीं रहते, अच्छे ही बंदे रहते हैं, सिर्फ बंदे जल्दी मर जाते हैं। ठीक है, बट जो नूब लॉबी होती है गाइज उसमें बहुत कम प्लस होता है गाइज। अगर आपके पास 5 से 6 किल्स हो गए और आप चिकन भी निकालोगे तो भी 12 से 15 प्लस होगा गाइज। इससे अच्छा गाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सुबह 9 बजे से शाम 5 या 6 बजे तक आप खेलो, क्योंकि ये टाइम में गाइज हैकर्स कम आते हैं गाइज, हैकर्स नहीं आते ऐसा नहीं बोल सकते, हैकर्स आएंगे बट उतने ज़्यादा नहीं आएंगे जितने रात को आएंगे गाइज। रात को मतलब कि 6 बजे से शाम 6 बजे से समझो रात को 12 बजे तक ये टाइमिंग में सबसे ज़्यादा हैकर्स आते हैं गाइज। ठीक है, एक मैच में 2 से 3 हैकर्स आएंगे। इससे अच्छा गाइज आप दोपहर को खेलो, दिन में खेलो जितना हो सके उतना दिन में खेलो। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की डियो की रैंक पुशिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी हम बात करेंगे गाइज कि अपना गेम प्ले कैसे इंप्रूव करना है, अपना गेम सेंस कैसे बढ़ाना है। गेम सेंस इंपॉर्टेंट होता है गाइज रैंक पुशिंग में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गेम सेंस और स्ट्रैटेजीज। ठीक है गाइज, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे गाइज। और एक क्वेश्चन गाइज मुझे हमेशा पूछा जाता है वो ये है कि सोलो में पुश करें या डियो में पुश करें या स्क्वाड में पुश करें। देखिए गाइज मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही सोचें। तो गाइस स्क्वाड कभी मैंने पुश किया ही नहीं तो स्क्वाड के बारे में तो बता नहीं सकता, बट गाइस सोलो और डियो में मैंने कॉन्कर पुश किया है। तो गाइस मेरा फेवरेट गाइस सोलो है, क्योंकि सोलो में गाइस मुझे कम हैकर्स मिले एज़ कम्पेयर टू डियो। डियो में सबसे ज़्यादा हैकर्स मिले गाइस। हमारा जो ड्रॉप लोकेशन था यासना है, वहाँ पर HD नाम का एक बंदा जो कि हैकर था गाइस, वो हमेशा वहाँ पर उतरता। उसने हमको चार बार तो मारा था गाइस उसने। एक बार हमने सिर्फ एस्केप किया था यासना से, सीधा जैसे हमने किलफीड में नाम देखा HD तो हम सीधा वहाँ से यसने से स्टार पर भाग गए गाइज। ठीक है, तो गाइज आप चेक भी कर सकते हो लीडर बोर्ड्स में, 20 नंबर पे वो बंदा था, उसका नाम HD था, HD। ठीक है, तो गाइज मेरे हिसाब से गाइज सोलो बेस्ट है, आप ट्राई करके देखो। बस यही है कि आपको बोर हो सकता है सोलो में, मुझे आदत है सोलो खेलने की, मुझे बोर नहीं होता। और गाइज हैकर्स के बारे में एक चीज़ बताता हूँ आपको, हैकर लोग क्या करते हैं पता है गाइज, वो लोग लेजिट बंदों से 1.5 से 2 हज़ार रुपया लेते हैं और उसके बाद गाइज उन लोगों का रैंक पुश करवाते हैं, उनके साथ मैच मेकिंग करते हैं, उनके साथ डिस्कॉर्ड पे बातें करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई तुम लोग सेफ बैठो, हम पूरी लॉबी क्लियर करते हैं, फिर एंड में हम थोड़ा बहुत हील बैटल वगैरह ये सब करके एक एक बंदे को चिकन देंगे। ऐसे करके गाइज लेजिट बंदे रैंक पुश करवाते हैं खुद का हैकर्स से। ठीक है, इसलिए गाइज डियो में उन लोगों को जो हैकर्स होते हैं उन लोगों को बहुत ईजी होता है, वो इजीली रैंक पुश करवा सकते हैं दूसरे बंदों का, इसलिए गाइज डियो में सबसे ज़्यादा हैकर्स है। ठीक है, तो गाइज ये इन सब का मेरे पास प्रूफ है, लाइव प्रूफ है, वो अगली वीडियो में आप चाहो तो मैं अगली वीडियो में ऐड कर सकता हूँ वो क्लिप। ठीक है, तो गाइज ये सब बातें छोड़ो, अभी हम बात करते हैं मेन कि गेम प्ले कैसे इंप्रूव करें और अपना गेम सेंस कैसे बढ़ाए। देखिए गाइज आप किसी को फॉलो करते होंगे, अपने आइडल को फॉलो करते होंगे, जैसे कि मैं स्काउट को फॉलो करता हूँ, मॉडल को भी फॉलो करता हूँ, जोनाथन को फॉलो करता हूँ। तो गाइज मैं ये देखता हूँ कि ये बंदे खेलते कैसे, इनका स्टाइल मैं कॉपी करता हूँ गाइज, जैसे ये खेलते हैं इनको देखता हूँ मैं टूर्नामेंट्स में,
ये स्ट्रैटेजी क्या अपनाते हैं, कैसे गाड़ियाँ पार्क करती है, पार्क मतलब कि पोजीशन वगैरह कैसे होल्ड करते हैं, गाड़ियों का कैसे कवर बनाते हैं, ये सब देख के गए वही मैं अपने क्लासिक मैचेस में ट्राई करता हूँ गए, ठीक है। तो गैस आप भी किसी को आइडल मानते होंगे तो गैस उसके गेम प्लेस देखो, गेम प्लेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो गेम प्लेस को फॉलो करो गैस, वहीं से आपको समझ में आएगा कि फाइट्स कैसे लेनी है, रोटेशंस कैसे करने हैं, एंड सर्कल्स में सर्वाइव कैसे करना है, किल्स कैसे निकालने हैं, बहुत कुछ चीज़ें गैस आप लोगों को समझ में आएगी, अंधा पुश नहीं करना है, स्ट्रैटेजीज कैसे यूज़ करनी है, ये सब गैस गेम प्लेस देख के समझ में आता है, ठीक है। तो गाइज अभी हम बात करेंगे कि भाई ड्रिल्स कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए गाइज एक क्लासिक मैच और एक कॉन्कर पुश के लिए गाइज कोई ड्रिल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं गाइज, आप टीडीएम में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो बस इतना इनफ है गाइज, बट फिर भी गाइज आपको लगता होगा कि भाई नहीं हमको और इम्प्रूव करना है और गेम प्ले अच्छे से इम्प्रूव करना है, तो गाइज मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि भाई कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स जो होते हैं उनकी ड्रिल्स फॉलो करो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था स्नैक्स गेमिंग, ठीक है। अभी बताऊँगा गाइज स्नैक्स गेमिंग, जोनाथन और न्यू इनके ड्रिल्स फॉलो करो गाइज, ये लोग बड़े कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं अपने इंडिया के स्टार्स है गाइज, इनको फॉलो करो, बेमतलब कि ऊट पटांग चाइनीज़ ड्रिल्स मत फॉलो करो गाइज, मैं बता रहा हूँ अपने इंडियन बंदे कोई चाइनीज़ बंदों से कम नहीं है। अभी लेटेस्ट टूर्नामेंट में जाके देखो टॉप फ्रैगर्स देखो गाइज कौन थे, अपने इंडिया के दो बंदे स्काउट और जोनाथन थे गाइज, ठीक है। तो बेमतलब के चाइनीज ड्रिल्स फॉलो मत करो, बहुत से यूट्यूबर्स आप लोगों को बताते हैं चाइनीज ड्रिल्स प्रैक्टिस करो, चाइनीज ड्रिल्स से 30 KD मेंटेन करो, मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था, कुछ नहीं होता गाइज, अपना जो बेसिक है आप जिस चीज़ में अच्छे हो गाइज उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करो, नेचुरल जो आपका गेम प्ले है उसे और अच्छा बनाओ गाइज, बेसिक ड्रिल्स प्रैक्टिस करो, बेमतलब के ड्रिल्स मत करो गाइज, मैं ले बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ गाइज। तो गाइज मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि भाई टीडीएम प्रैक्टिस करो गाइज, टीडीएम में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्लोज कॉम्बैट आपका अच्छा होता है, आप अपना क्रॉस एयर एम अच्छा कर सकते हो टीडीएम में, आप हेड पे एम करना सीखो, वही आप बाद में क्लासिक में भी कर सकोगे, ठीक है। तो गाइज मैं यही करता हूँ, मैं कोई ड्रिल्स फॉलो नहीं करता हूँ, बस टीडीएम खेलता हूँ और उसके बाद क्लासिक मैच लगा देता हूँ। तो गाइज इस वीडियो के ऊपर एक कॉमन क्वेश्चन आने वाला है, जो लास्ट सोलो की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो थी उस पर भी वो क्वेश्चन बहुत आया था। तो गाइज वो क्वेश्चन ये है कि मेरा एनिमी भी ये वीडियो देख रहा है, तो गाइज इसके ऊपर मैं एक सिंपल सा बहुत ही अच्छा आपको आंसर बताता हूँ विथ एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए गाइज आप कॉलेज स्कूल में पढ़ते हो तो आपके टीचर ने आपको एक मशीन के बारे में क्लास में थ्योरी बताई, सिर्फ थ्योरी बताई, ठीक है, कि आप थ्योरी से वो मशीन चलाना सीख जाओगे, नहीं गाइज आपको एक डेमो चाहिए, अगर आप डेमो देखोगे तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। आपके टीचर को आप पूछोगे कि भाई हाँ ये यहाँ पे मेरे को मैं अटक गया हूँ, यहाँ पे मुझे बताओ कि क्या करना है आगे, ठीक है, ऐसे करके आप मशीन अच्छे से चला पाओगे, ठीक है। तो गाइज ऐसे ही इधर क्या होता है कि आपको मेरे गेम प्लेस देखने पड़ेंगे, गेम प्लेस देख के आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे पुश करता हूँ, मैं कैसे किल्स निकालता हूँ, मैं कैसे रोटेशंस करता हूँ, सब कुछ गाइज मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, और उसके बाद भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी मैं रिप्लाई देता हूँ गाइज। तो गाइज यही थी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स की पूरी डिटेल्ड वीडियो, और इंस्टाग्राम पे गाइज मैंने गिव अवे के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिया है, सो गाइज इंस्टाग्राम जाके चेक करो, वहाँ पे वीडियोस मैंने बहुत सारे अपलोड किए हुए, वो जाके देखो, अच्छी लगे तो फॉलो कर देना गाइज, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो गाइज मेरे लिए एक छोटा सा काम कर देना, हम एक छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करने वाले इस वीडियो में, तो मैं स्टेप्स बताऊंगा गाइज वैसे आपको उसे सपोर्ट करना है, मेरे वीडियो को लाइक मत करो गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, बट गाइज उसकी हेल्प कर दो, वो बंदा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, एक साल से मेहनत कर रहा है गाइज, वो एक पीसी गेमर है, पीसी गेमर पता है गाइज कितनी मेहनत करते वो लोग, वो फेस कैम लगाते हैं गाइज, पीसी के बड़े बड़े अच्छे अच्छे गेम्स खेलता है गाइज, एडिटिंग गाइज नेक्स्ट लेवल एडिटिंग करता है, मेरी एडिटिंग तो कुछ भी नहीं गाइज, मैं मोंटाजेस दो बनाता हूँ जिसपे मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट ये तो कुछ भी नहीं गाइज, उससे भी बहुत अच्छी एडिटिंग करता है वो, इसीलिए मैं उसका चैनल सजेस्ट कर रहा हूँ, उसके चैनल का नाम गाइज गेमर्स वीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइज सुनो पहले कि कैसे सपोर्ट करना है, देखिए गाइज उसके चैनल पर जाओ, कौन सी भी एक वीडियो देखो लेटेस्ट वाली, उस पर जाके वो वीडियो पूरी देखो गाइज, समझो वो वीडियो कैसी बनाई उसने, क्या एडिटिंग की है, ठीक है, बहुत मस्त फनी वीडियोस बनाता है गाइज वो, तो वो देखो, आपको अगर पसंद आए वो वीडियो, अगर आपको पसंद आया समझो आपको अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी वो वीडियो, मैं तो भाई 10 बार वीडियो देखता हूँ उसकी, हर एक वीडियो 10 बार देखता हूँ, मेरे को बहुत पसंद आती है उसकी वीडियो, आप जाके चेक करो गाइज, आपको अगर पसंद आए तो ही उसके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना है, ठीक है, जाके सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबा के वापस नहीं आना है गाइज, आपको अगर उसकी वीडियोस देखनी होगी आगे जाके अगर वो और वीडियोस डालेगा और आपको देखनी होगी तो ही गाइज उसके चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं पसंद आई वीडियोस तो गाइज कोई नहीं, सब्सक्राइब मत करो, वापस आ जाओ, ऐसे सपोर्ट करना है गाइज, ठीक है, हमें उसका चैनल डेड नहीं कराना है,
सब्सक्राइब करोगे और उसके बाद आप कभी उसका वीडियो देखोगे नहीं तो उसका चैनल डेड हो जाएगा गाइज, ठीक है। और लास्ट टाइम जब हमने एक छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट किया था गाइज, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा आपने अच्छा सपोर्ट दिखाया गाइज। और आई होप कि इस यूट्यूबर को, भाई ये तो पीसी गेमर है गाइज, नाम ही काफ़ी है पीसी गेमर, मतलब आपको पता है गाइज, ठीक है। तो जाओ गाइज, आप अपना मैक्सिमम सपोर्ट दिखाओ, कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी एक वीडियो की, जाओ वो वीडियो पूरा देखो गाइज, वीडियो पूरा देखो, स्किप मत करो, आपको मज़ा आ जाएगा गाइज, कतई मज़ा आ जाएगा, एकदम बढ़िया वीडियो बनाता है, हंस हंस के पागल हो जाओगे भाई आपको अगर मीम्स का नॉलेज होगा तो, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज गुड बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.